क्या आपको विराट कोहली पर भरोसा है? क्या आपको विराट कोहली ने डिसअपॉइंट किया है? क्या विराट कोहली से आप खफा हैं? आपको लगता है कि उनके नंबर को रिप्लेस कर देना चाहिए? वेल, आपका पता नहीं, लेकिन टीम इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा को विराट कोहली पर पूरा भरोसा। उन्हें कोहली एक कंसिस्टेंसी पर कोई डाउट नहीं है, और शायद यही वजह है कि जब पोस्ट मैच रोहित शर्मा सवाल पूछा गया तो बड़ी बेबाकी से रोहित शर्मा ने जो जवाब दिया वो बताता है कि विराट और रोहित के बीच में बॉन्डिंग कितनी ज्यादा जबरदस्त है और कैसे एक दूसरे को वो बैक करते हैं। दरअसल नासिर हुसैन ने पोस्ट मैच रोहित शर्मा सवाल पूछा कि भाई साहब विराट कोहली क्या स्कोर करेंगे फाइनल में, वो तो फ्लॉप चल रहे, रखोगे तो क्या करोगे? रोहित शर्मा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि भाई साहब हो सकता है कि विराट ने अपना जो बेस्ट है वो फाइनल के लिए बचा के रखा। द्रविड़ भी यही कहते हैं कि विराट कोहली ने एग्जाम्पल सेट किया है टीम के लिए, हमेशा उन्होंने ग्रेट इंटेंट दिखाया है, उनके माइंडसेट की हम सब कद्र करते हैं और हमें लगता है कि फाइनल में कुछ बड़ा आएगा। रोहित इससे पहले भी कई बार कह चुके हैं कि विराट कोहली एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर, उन्हें इंपॉर्टेंट टीम को देना आता है, वो अच्छे टच में है, अच्छा इंटेंट दिखा रहे हैं, थोड़ी बहुत किस्मत 19-20 है, बट हमें लगता है कि फाइनल से पहले आपको विराट कोहली ओरिजिनल नजर आएंगे और फाइनल में वो आपको रन बनाते नजर आएंगे। और ये द्रविड़ भी कह रहे हैं, एंड दैट्स अ गुड साइन कि जब हम विराट पर क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तब रोहित शर्मा उन्हें बैक कर रहे हैं। इससे पहले भी कई बार हुआ है कि जब रोहित ने विराट को बैक किया है, विराट ने रोहित को बैक किया है, और इन दोनों ने एक दूसरे के लिए बड़ा सपोर्ट किया है, बहुत सपोर्ट किया है। आप याद कीजिए 2021 का T20 वर्ल्ड कप था और एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा विराट कोहली से कि क्या आप रोहित शर्मा को ड्रॉप करेंगे, ईशान किशन को लाएंगे? और उन्होंने कहा कि आप क्या सीरियसली T20 से रोहित शर्मा को ड्रॉप करना चाहते हैं, लाइक सीरियसली? फिर 2022 T20 वर्ल्ड कप में एक सवाल पूछा गया था कि विराट कोहली का कॉन्फिडेंस जो है वो लैक कर रहा है, रोहित शर्मा ने हंसकर कहा कि भाई साहब विराट कोहली का कॉन्फिडेंस लैक कर रहा है, आई मीन क्या बात कर रहा है, सीरियसली विराट कोहली कॉन्फिडेंस की जरूरत है? हालांकि विराट के बारे में रोहित को भले यकीन हो, लेकिन विराट की परफॉर्मेंस तो गिरी है, रोहित उन पर भरोसा जता रहे हैं, ये भरोसा फैंस ने भी जताया था इंग्लैंड वाले मैच में, लोग ये मानकर चल रहे थे कि इस मैच में विराट कारनामा करेंगे, बट विराट फ्लॉप, 9 बॉल पर 9 रन बना पाए और परफॉर्मेंस नहीं है। और इसी के बाद सवाल उठा कि क्या विराट कोहली का ये वर्स्ट वर्ल्ड कप कैंपेन है? विराट की पोजीशन बदले जाने से बहुत सारे सवाल उठे कि विराट क्यों फ्लॉप हो रहे हैं, कुछ लोग मानते हैं कि 3 नंबर पर आ रहे इसलिए फ्लॉप है, कुछ ने कहा कि यार क्रिटिसिज्म जो है वो इनके इंटेंट को लेकर है, हर बॉल पे छक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ने कहा यार अंधी खेल रहे हैं, एक दो पड़ गया उसके बाद भी मार रहे हैं, कुछ ने कहा कि यार एक्स्ट्रा प्रेशर ले ले रहे हैं। विराट कोहली इस वर्ल्ड कप में फ्लॉप रहे हैं हर मैच में, इंग्लैंड के सामने 9 बॉल पे 9 रन, ऑस्ट्रेलिया के सामने 5 बॉल पे 0 रन, बांग्लादेश के सामने उनका बेस्ट निकला था 28 पे 37, अफगानिस्तान के सामने 24 पे 24, USA वाला और फ्लॉप था पहली बॉल पर आउट, पाकिस्तान के सामने 3 बॉल पर 4, आयरलैंड के सामने 5 बॉल पर 1। ये वो विराट कोहली नहीं जिन्हें हम जानते थे, क्योंकि विराट किंग की तरह खेलते आए, बट इस बार विराट किंग नहीं है, वो फ्लॉप पर फ्लॉप जा रहे हैं और उनकी पोजीशन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कोई कहता है कि वो ओवर एग्रेसिव हो गए, कोई कहता है कि जयसवाल को ले आओ, रोहित के साथ बैटिंग करो। विराट का एवरेज जो है वो पहली बार 50 के नीचे गया है, 51 का एवरेज हुआ करता था, अब 48 का रह गया है। विराट और रोहित की पार्टनरशिप फ्लॉप रही है, लेकिन रोहित शर्मा का ये मानना है कि जो आखिरी बाजी होगी, वो जो लास्ट राइड होगी, उसमें विराट का आपको एक रौद्र रूप दिखाई पड़ेगा। क्या आपको भी लगता है कि विराट कोहली ने अपना बेस्ट लास्ट के लिए बचा रखा है? लेट्स जस्ट होप कि ऐसा हो और ये वर्ल्ड कप हमारा